जबकि एक बुकड़ बैल है और मेहनती भी, जबकि जितना खाता है उतनी ही मेहनत भी करता है। इस बात से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जबकि खा कर अपनी भूख हद से ज्यादा बढ़ाता जा रहा है। लड्डू भैया, मुझे 10 लड्डू दो, हमेशा वाले और बढ़िया वाले। इतना नहीं खाना चाहिए, जबकि इतना ज्यादा खाकर एक तो तुम अपनी तबीयत खराब कर रहे हो, ऊपर से कमाए हुए सारे पैसे भी खत्म कर रहे हो। अगर किसी दिन कुछ हो गया और पैसों की जरूरत पड़ गई तो बहुत पछताओगे। जो भी होगा तब का तब देख लूंगा लड्डू भाई, कल की फिक्र मैं आज क्यों बर्बाद करना। इससे पहले कि मेरी भूख और बढ़ जाए, मुझे लड्डू दे दो। जबकि बैल किसी की भी बात नहीं सुनता है और ऐसे ही करता रहता है। इस बात से उसकी पत्नी चाय गाय बहुत परेशान थी। वो भी उसे सबकी तरह समझाने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन जबकि सबकी तरह उसकी बातों पर भी ध्यान नहीं देता है। चाय नाश्ता तैयार है ना, काकर काम पर जाना है। रास्ते में लड्डू भाई की दुकान लग गई थी, इसीलिए आते वक्त एक दो लड्डू खाकर आ रहा हूँ। इतना सारा खाना खाने के बाद आप काम कैसे कर पाते हैं? मुझे यही बात समझ में नहीं आती है। ना तुम कुछ भी समझने की कोशिश करो, ना ही मुझे समझने की कोशिश करो तो ही अच्छा रहेगा। ऐसे कहते हुए जबकि खाना खाकर काम पर चला जाता है। वहाँ पर आज काम कुछ ज्यादा भारी होने की वजह से और जबकि का पेट भरा हुआ रहने की वजह से जबकि दूसरी मंजिल से नीचे गिरकर अपनी टांग तुड़वा लेता है। आसपास के लोग जल्दी से उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और चाय को ये बात बताते हैं। जब चाय हॉस्पिटल पहुंचती है तब डॉक्टर उससे ऐसे कहते हैं, आपके पति का एक पैर बहुत बुरी से टूट गया है, उन्हें दोबारा चलने में 6 महीने से भी ज्यादा वक्त लग सकता है, तब तक ये कोई काम नहीं कर सकते हैं। वो बात सुनकर परेशान चाय अपना सर पकड़ लेती है। कुछ देर दुखी होने के बाद जबकि को घर लेकर जाती है। घर में कमाने वाला और 10 लोगों का खाना खाने वाला जबकि ही है। अब उसकी टांग टूटने की वजह से कमाई भी रुक गई है। चाय, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, खाना दो मुझे, बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है, लेकिन सिर्फ खाना ही नहीं, दवाई भी खानी होगी। दवाई नहीं तो खाना भी नहीं, समझे ना? मैं भी कह रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कहा, तुम तो सब कुछ खा जाते हैं। ऐसे कहते हुए चाय जबकि को पहले दवाइयाँ उसके बाद खाना देती है, लेकिन खाली बैठने की वजह से जबकि बैल को हर 5 मिनट में भूख लगती है। चाय उसे खाना दे देकर थक जाती है, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं होती है और आखिर में खाना ही खत्म हो जाता है। चाय, भूख लगी है, खाना ला रही हो ना? घर में जितना भी खाना था तुम सारा खा गई, अब घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। अब ऐसे कहते हुए चाय घर के बाहर चली जाती है और जैसे तैसे करके शाम के खाने का इंतजाम कर लेती है, लेकिन वो सारा जबकि ही खा जाता है। दिन गुजारते जाते हैं, चाय बाहर काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाने लगती है। वो पैसे जबकि की दवाइयाँ और 2 वक्त खाने के लिए ही पूरी हो रहे थे। दिन में 10 बार खाने वाला जबकि को 2 वक्त का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं हो रहा था।
चाय, तुम्हें पता है तुम मुझे बहुत भूखा रख रही हो। दिन में अनगिनत बार खाने वालों को सिर्फ दो वक्त खाना दे रही हो। तुम जानते भी हो मैं इसी दो वक्त के खाने के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ। अगर तुम अपनी कमाई में से थोड़े भी पैसे बचा कर रखते हैं तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। चाय की दुख भरी बात सुनने के बाद जबकि को हर किसी के मुंह से खाना एक हिसाब से खाना चाहिए कहकर समझाने वाली बात याद आती है। इसलिए जबकि अपनी पत्नी चाय से माफी मांगकर चाहे कितनी भी भूख क्यों ना लगे एक दिन में जितना खाना खाना चाहिए उतना ही खाता है। ऐसे धीरे धीरे उसकी आदत बदल जाती है और उसका पैर भी ठीक हो जाता है। ऐसे जबकि वापस काम पर लौट जाता है। बहुत दिनों बाद नजर आ रहे हो जबकि, लड्डू नहीं चाहिए क्या तुम्हें? ये भी कोई वक्त है क्या लड्डू भाई खाने का? तुम भी मजाक अच्छा कर लेते हो। लीलापुर नाम के एक गांव में तिल्लू नाम का एक बैल अपनी पत्नी मुन्नू गाय और बेटे पिंटू बैल के साथ रहता था। तिल्लू बैल अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है, अपनी सेहत की भी परवाह नहीं करता था। कितना कांच रहे हो, एक बार अपनी तरफ देखो। सिर्फ काम ही जरूर नहीं है ना जी, तबीयत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी वहीं का धुआं बहुत खराब है। तिल्लू एक फैक्ट्री में काम करता है, वहां से निकलने वाला धुआं बहुत ज्यादा होता है। सुबह से शाम तक वहीं पर रहने की वजह से तिल्लू ऐसे खांस रहा है। कोई बात नहीं है मुन्नू, इस काम में खतरा है इसीलिए थोड़े ज्यादा पैसे मिल रहा है मुझे। हमारी आर्थिक स्थिति भी तो ठीक नहीं है ना, नहीं चौकेगा ये। ऐसे कहते हुए फिर से उस फैक्ट्री में चला जाता है तिल्लू। ऐसे वहाँ पर फिर से सुबह से शाम तक मेहनत करने की वजह से काफी थक कर खांसते हुए सो जाता है तिल्लू। वो देखकर उसका बेटा पिंटू, माँ पिताजी हर रोज ऐसे क्यों खांसते रहते हैं? माँ क्या हुआ पिताजी को, अभी भी खांस खांस कर सो रहे हैं? वो बात सुनकर जल्दी से भागकर जाकर अपने पति तिल्लू को देखती है मुन्नू। उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, लेकिन वो सब अपने बेटे से छुपाने के लिए ऐसे कहती है, कोई बात नहीं है बेटा, पिताजी थोड़ी सी थक गए हैं, सुबह तक उठकर हमारे साथ बैठेंगे, देखना तुम जाकर सो जाओ बेटा, बहुत देर हो गई है। ऐसे कहते हुए पिंटू को सुला देती है मुन्नू गाय। उसके बाद तिल्लू के पास आकर उसके उठाकर खाना खिलाकर दवाइयां देती है। मुझे माफ कर दो मुन्नू, तुमने पता नहीं कितनी बार कहा था लेकिन मैंने एक बार भी नहीं सुनकर जिद करके फैक्ट्री में गया और अब बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा हूँ। ऐसे बात मत कीजिए, आप हमारे अच्छे भविष्य के लिए सोचकर ही मेहनत कर रहे थे, इसमें माफी मांगने जैसे कोई गलत काम नहीं है। घर में पैसे नहीं है ना, मैं ही किसी काम पर जाती हूँ। ऐसे कहते हुए मुन्नू गाय काम पर जाने लगती है। ऐसे वो कितनी मेहनत करने पर भी उनके लिए दो वक्त का खाना जमा करने लायक पैसे भी नहीं कमा पाती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं, इतने में रेडियो में एक अनाउंसमेंट होती है। दो दिन में जोरों की बारिश शुरू होने वाली है, कम ऊंचाई वाले सभी गांव वालों को अपने घर छोड़कर
सुरक्षित जगह पर जाने की विनती कर रहे हैं। वो अनाउंसमेंट सुनकर पिंटू बेल अपनी माँ मुन्नू गाय से, माँ हमारे गांव भी नीचे ही है ना, क्या हमें भी ये गांव छोड़कर जाना होगा? क्या अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, हर बार होने वाला प्रचार सच नहीं होता है। तुम चिंता मत करो, अगर सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, वरना कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे कहते हुए पिंटू को जाकर खेलने के लिए कहती है, लेकिन वो भारी बारिश होने वाली है कहकर अच्छे से पता है मुन्नू को, इसलिए घर छोड़कर जाने के लिए सभी तैयारियां कर लेती है। ऐसे ही अपने पति को लेकर जाने के लिए एक तेले का भी इंतजाम कर लेती है। जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी जरूरत का सभी सामान लेकर सुबह होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। ऐसे कहते हुए सब कुछ अच्छे से रखकर रात को सो जाते हैं सब, लेकिन अचानक से कब शुरू हो गई ये पता चलने से पहले ही जोरों की बारिश गांव को ले डूबने लगती है और हर तरफ पानी भरने लगता है, लोगों के घरों में तक पानी आ जाता है। माँ पानी, माँ अपने घर में पानी आ गया है, जल्दी से देखो माँ बाहर बड़ी बारिश हो रही है। तभी झट से नींद से जाकर देखा तो घर में पानी भरा हुआ था और पूरे गांव में भी। इतने में जल्दी जल्दी सारा सामान उठाकर अपने पति को भी उठाने की कोशिश करती रहती है मुन्नू गाय। सुनिए जल्दी से उठिए, हमारा गांव डूब रहा है और थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे तो हम भी डूब जाएंगे। आपके साथ चलने के लिए मैं सारी तैयारियां कर ली है, बाहर एक थैला तैयार है। ऐसे कहते हुए अपने पति को उठाने की कोशिश करती है मुन्नू, लेकिन कितनी कोशिश करने पर भी तिल्लू अपनी जगह से नहीं हिलता है। ऐसे कुछ देर बाद पता चलता है तिल्लू मर गया है कहकर। मुझे ऐसा अकेले छोड़कर कैसे चले गए तुम, अब मैं आपके बिना रह पाऊंगी कैसे? ऐसे रोते हुए कुछ देर बाद कम से कम बेटे को तो बचने के लिए अपने पति की लाश को उसी तेले पर रखकर बेटे और सामान को उठाकर उस बारिश में निकल पड़ती है मुन्नू गाय। ऐसे कुछ देर चलने के बाद किनारे पर पहुंचती है मुन्नू, उसके बाद अकेले ही अपने पति का अंतिम संस्कार करके अपने बेटे पिंटू को लेकर वहां से दूर चली जाती है मुन्नू।